हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप चाहते हो कि आप पूरा सवाल पार्टनरशिप का सोल्व कैसे करते हैं ये सीख पाओ, जिसके अंदर कंप्लीट एक क्वेश्चन जिसमें रिवॉल्यूशन अकाउंट भी होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी होगा और नई फर्म की बैलेंस शीट भी बनेगी। तो उसके लिए कुछ नेसेसरी फॉर्मेट्स होते हैं जो आपको समझने पड़ेंगे। जैसे जो सिक्वेंस हमने डिस्कस की थी कि हमारा जो है रेशियो का चेंज हम डिस्कस करेंगे, वो हमने सीख लिया। हमने डिस्कस किया था कि साहब गुडविल का वैल्यूएशन हम सीखेंगे, वो हमने डिस्कस कर लिया। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिस्कस कर लिया। और रिवॉल्यूशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज की बात आती है, कैपिटल अकाउंट की प्रिपरेशन की बात आती है, आपके एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की बात आती है। ये सारी चीज़ें कंप्लीट फॉर्मेट हम सवाल में कैसे डिस्कस करते हैं, चलिए देखते हैं। हेडिंग दीजिए नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ फर्म्स। तो उसमें सबसे पहला जो हम बनाते हैं वो हम बनाते हैं रिवॉल्यूशन अकाउंट। रिवॉल्यूशन का मतलब होता है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, जो भी इंक्रीज डिक्रीज हो रही है। भाई पुराना पार्टनर है, पुराने पार्टनर है, उन्होंने मेहनत करी यहाँ तक पहुँचे, नए पार्टनर अभी अभी आया, तो पुरानी उनकी खरीद बेच मेहनत का जो इंक्रीज डिक्रीज है या फिर एसेट्स लाइबिलिटीज की फ्लक्चुएशन का बेनिफिट है, वो किसको मिलना चाहिए? पुराने पार्टनर्स को मिलना चाहिए। किस रेशियो में मिलना चाहिए? उनके प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में मिलना चाहिए, ओल्ड में, राइट? तो ये कहानी है। तो किस तरीके से रिवॉल्यूशन अकाउंट बनता है? एसेट्स, देखिए लॉसेस सारे डेबिट में आते हैं और प्रॉफिट सारे क्रेडिट में आते हैं। अब देखना ये है कि लॉसेस कहाँ से होते हैं और प्रॉफिट्स कहाँ से होते हैं, राइट? एसेट्स की वैल्यू अगर कम हो जाएगी तो लॉस होता है, बढ़ जाएगी तो प्रॉफिट होता है। एसेट्स को डिनोट करने के लिए मैंने ए लिख दिया है वहाँ पर। दूसरी ओर लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ जाएगी तो लॉस होगा, डिक्रीज हो जाएगी तो प्रॉफिट होगा, राइट? देखिए एसेट्स की वैल्यू का मतलब, जैसे 5 लाख रुपए की आपकी बिल्डिंग थी और मान लीजिए उसका ऊपर का पोर्शन सीलन की वजह से गिर गया, राइट? मैंने कितने की बिल्डिंग बोली? 5 लाख रुपए की, तो उसका पोर्शन गिर गया, अब वो 4.5 लाख रुपए की रह गई, तो आपका फायदा हो गया? फायदा हो गया ना भाई, 5 लाख की बिल्डिंग थी, 4.5 लाख रह गई, 50,000 का फायदा हो गया? नहीं हुआ तो नुकसान हो गया। कहने का मतलब एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो नुकसान हो जाता है, राइट? वो नुकसान यहाँ पे लिखा जाएगा, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स के नाम से। चलो बैंक वाले से लोन लिया 6 लाख रुपए का, राइट? और उसने ब्याज सहित जोड़कर उसकी वैल्यू हो गई 7 लाख रुपए। बैंक से लोन लिया 6 लाख रुपए का, ब्याज सहित वैल्यू हो गई 7 लाख रुपए, तो ये आपका प्रॉफिट है? लॉस है। लॉस क्यों भाई? भाई देखो ऐसा है ना, बैंक को ऐसे बच्चे कैसे सोचते, 6 लाख रुपए का लोन लिया, 7 लाख का हो गया तो बैंक का तो फायदा है, मतलब दूसरे का सोचना नहीं है यहाँ। दूसरे का सोचो तो फायदा हो गया, हमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि मैंने 6 लाख का लोन लिया, 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट वगैरह पेनल्टी वगैरह फाइन वगैरह उसके अंदर जुड़ गया तो 7 लाख हो गया, तो ये क्या मेरा नुकसान है या प्रॉफिट है? नुकसान है। अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, अपने आपको प्रिज्यूम करके, दूसरे का नहीं, सबका नहीं सोचना है, पहले अपना जो सोच लेता है ढंग से दूसरे का सोच पाएगा, राइट? वो बात अलग है कि बैंक को भी प्रिज्यूम करके आप अकाउंट आगे सीखो, लेकिन अभी जरूरत है खुद को प्रिज्यूम करके सीखो। तो अभी बैंक ने 6 लाख का लोन 7 लाख का कर दिया तो 1 लाख का नुकसान यहाँ पे आएगा। तो जो मैंने दो एग्जाम्पल दिए उससे मैं दो बात लिख सकता हूँ, टू डिक्रीज इन सन्ड्री एसेट्स, एस ए का मतलब है सन्ड्री एसेट्स, और दूसरी बात टू इंक्रीज इन सन्ड्री लाइबिलिटी, राइट? टू इंक्रीज इन सन्ड्री लाइबिलिटी। फिर इसके बाद देखिए एसेट्स की वैल्यू, मान लीजिए स्टॉक है 5 लाख रुपए का और वो बढ़कर हो गया 7 लाख रुपए का, मार्केट वैल्यू में फ्लक्चुएशन हुआ, किसान आंदोलन हो गया, तो 5 लाख का जो आपका स्टॉक रखा था उसकी डिमांड बढ़ गई, किसानों ने सामान सप्लाई किया नहीं तो वो 7 लाख का हो गया, तो 2 लाख रुपए का आपका नुकसान हो गया ना किसानों के आंदोलन की वजह से। प्रॉफिट हो गया, नुकसान हो गया भाई? 5 लाख रुपए का स्टॉक था, किसानों ने आंदोलन कर दिया, आपका वो स्टॉक क्योंकि डिमांड बढ़ गई मार्केट के अंदर तो वो 7 लाख का हो गया, प्रॉफिट हो गया भाई। है तो ऐसे सोचना है, दिमाग किसानों के आंदोलन पे चला गया है, किसानों का नुकसान हो गया, अपना देखो भाई, तुम्हारा तो माल 5 लाख का बड़ा था वो 7 लाख का हो गया, एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो क्रेडिट में आती है भाई, ठीक है? बाय इंक्रीज इंक्रीज इन सन्ड्री एसेट्स। दूसरा बाय, अब जैसे लाइबिलिटी है कोई, मतलब कोई भी लाइबिलिटी है, क्रेडिटर्स है 5 लाख रुपए के थे साल के स्टार्टिंग में, या मान लीजिए प्रीसीडिंग बैलेंस, और 50,000 रुपए का गुड्स उनसे और ले लिया हमने उधार, तो 5.5 लाख रुपए हो गए, पहले पेमेंट 5 का करना था, अब 5.5 का करना है,
तो 50,000 का नुकसान है। लेकिन अगर ऐसा हो कि 5 लाख के क्रेडिटर में से क्रेडिटर कहे कि चलो कोई बात नहीं, आप हमारे पुराने जो है क्लाइंट हो, आप एक काम करते हैं, आपको सब्सिडी देते हैं, आपको चुकाने नहीं है 20% का, मतलब 5 लाख में से 20% 1 लाख रुपये आपको चुकाने नहीं पड़ेंगे, तो ये हमारा क्या हुआ, नुकसान हुआ ना, प्रॉफिट हुआ। ठीक है, मतलब लाइबिलिटी कम होगी तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ध्यान से समझना है। तो टू बाय डिक्रीज इन सन्ड्री लाइबिलिटी, मतलब लाइबिलिटी कम होती है तो प्रॉफिट होता है। ऐसे ही कुछ हमारी एसेट्स होती हैं जो बैलेंस शीट में लिखी नहीं होती हैं, लेकिन हमें उनको बाद में मालूम पड़ता है एडमिशन के टाइम पर, भाई ऐसा है तुम्हारे पास वो टाइपराइटर पड़ा है, अब ये बंदा आ गया है, इसकी नज़र में से बचना नहीं चाहिए, सारी चीज़ें रिकॉर्ड करिए, राइट। तुमने भाई इन्वेस्टमेंट कर दिए थे फर्म से, है ना, तो अब तो सारी चीज़ें हम रखेंगे, हम ऐसा नहीं रखेंगे भाई तुमने इन्वेस्टमेंट किए तो तुम्हारे पास है, अब तो जो है प्रॉपर अकाउंट होने चाहिए, तीसरा बंदा भी आ गया, सारे लेन देन सही रखेंगे। तो कुछ एसेट्स होती हैं जो अनरिकॉर्डेड हैं, तो उनको हम यहाँ पे दिखा देते हैं इंक्रीज इन एसेट्स के तरीके से, अनरिकॉर्डेड एसेट्स बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स क्रेडिट में, और कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो यहाँ पे आ जाएगा अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। अनरिकॉर्डेड से क्या मतलब है, अभी तक पुरानी बैलेंस शीट में लिखा नहीं था वो, आपको पुरानी बैलेंस शीट दे रखी है सवाल के अंदर, और फिर उसके बाद में नीचे एडजस्टमेंट दे रखी है कि साहब ये काम हुआ नहीं था आप करना है, तो वो हम कहते हैं अनरिकॉर्डेड है। क्लियर, अनरिकॉर्डेड एसेट्स आपके लिए प्रॉफिट बनाएगी, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी आपके लिए लॉस बनाएगी। तो क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है तो प्रॉफिट आ जाएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ PCA, राइट। अम्मा और बाबा जो भी तुम्हारे पार्टनर हो उनको ओल्ड रेशियो में बांट देना, ठीक है भाई लोगों, और डेबिट का लॉस टोटल ज़्यादा हो तो लॉस हो जाएगा, बाय प्रॉफिट बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लॉस ओल्ड रेशियो में बटता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देख लो कि साहब अगर मान लीजिए प्रीमियम का अकाउंट है, प्रीमियम का अकाउंट कैसे बनेगा, राइट। मान लो पुराना बैलेंस पहले से है पुरानी बैलेंस शीट के असेट्स में, तो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन करते हैं हम लोग, ठीक है। और आपको बताया गया है अगर गुडविल पहले से फर्म में होती है तो उसको हम क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं, और राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होती है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल या गुडविल। ओल्ड पार्टनर कौन है, अम्मा बाबा, डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, तो बाय अम्मा कैपिटल अकाउंट बाय बाबाज कैपिटल अकाउंट, ये राइट ऑफ हो गई, W/O मतलब राइट ऑफ, कौन सी वाली, ये वाली पुराना बैलेंस। अगर हमारा पार्टनर गुडविल का अमाउंट नकद लेके आया तो एंट्री क्या हुई, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट, तो प्रीमियम अकाउंट बना रहा हूँ तो कैश अकाउंट कहाँ पे लिखूंगा, अपोजिट साइड में लिखूंगा ना, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम हुई तो प्रीमियम अकाउंट बना रहा हूँ तो कैश कहाँ में लिखूंगा, बाय में लिखूंगा, लिख दो बाय कैश या बैंक अकाउंट, राइट। नए पार्टनर का शेयर, न्यू पार्टनर का शेयर जो वो कैश में लेके आया लिख देंगे, फिर उसके बाद देखो इसको बांट दो, एंट्री क्या होगी, ये तो नकद ले आया, फिर बांटते हैं प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू एच कैपिटल टू बीच कैपिटल अकाउंट, टू बीच कैपिटल अकाउंट। बुक में ज्यादातर बनवाता नहीं है वो एग्जाम में, लेकिन बनवा ले तो ऐसे बनाओगे, इसलिए बताया ये फॉर्मेट, समझे, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत मतलब बोनस भी लेके जाना चाहिए घर पे, ठीक है। सवाल प्रीमियम का अकाउंट नहीं पूछे, आपको आना तो चाहिए था, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो आगे क्या कहानी है आपका, जो है हम बात कर लेते हैं कैश अकाउंट की बात कर लेते हैं। पुराना बैलेंस, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, राइट, यहाँ पे लिख दिया, और फिर मतलब जो पुरानी बैलेंस शीट में दे रखा है वो यहाँ पे लिख दिया। अब उसके बाद आपको देखना है कि कोई पुरानी बैलेंस शीट में बैंक का बैलेंस भी पड़ा हुआ है, तो टू बैंक अकाउंट करके उसको विड्रॉ कर लो। सुन लो दोबारा क्या कह रहा हूँ मैं, मान लो पुरानी बैलेंस शीट है जिसके अंदर कैश का भी बैलेंस है और बैंक का भी बैलेंस है, ठीक है। एक तो तरीका ये है कि केवल कैश का अकाउंट बना लो, बैंक के अकाउंट को छोड़ो मत, उस बैंक के बैलेंस को एज इट इज दिखा देना नई बैलेंस शीट में,
नई फर्म की इनिशियल बैलेंस शीट में एज इट इज दिखा देना, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि बैंक का नामो निशान बना दो बैंक बैलेंस का, तो ओपनिंग बैलेंस कैश का लिख दो, बैंक में जो पैसा था टू बैंक करके बैंक से निकाल लो, क्लियर। और फिर उसके बाद में जितने भी पैसे आए हैं या गए हैं वो सारे कैश अकाउंट में आ जाएंगे, फिर कैश का बैलेंस जो आए उसे नई बैलेंस शीट में लिख दो। ये मैंने कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, राइट, कि मैं क्या चाहता हूँ कि मैं बैंक का बैलेंस नहीं लिखना चाहता, मैं कैश का बैलेंस लिखना चाहता हूँ, तब ये होगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं बैंक का बैलेंस लिखना चाहता हूँ, मैं कैश का नहीं लिखना चाहता, मैं बात तब कर रहा हूँ जब कैश और बैंक दोनों बैलेंस हमारे क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, ठीक है। देखो, तो फिर मैं क्या करूँगा, अगर मैं बैंक का लिखना चाहता हूँ तो मैं बैंक अकाउंट बनाऊँगा, उसमें मैं जो बैंक का बैलेंस है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दूंगा, और जो भी मेरे पास कैश पड़ा हुआ है बैलेंस शीट में पुरानी में टू कैश करके बैंक में जमा कर दूंगा, ठीक है। देखो, चार तरीके हैं इस सिचुएशन को हैंडल करने के। पहला, कैश का अकाउंट बनाओ, जो भी बैंक में पैसा है टू बैंक करके निकाल लो। दूसरा, बैंक का अकाउंट बनाओ, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बैंक का लिखो, टू कैश में जो पैसा है टू कैश करके बैंक में जमा कर दो। केवल बैंक का ही बैलेंस है, केवल कैश का ही बैलेंस है तो कोई समस्या ही नहीं है ना, ठीक है। अच्छा, एक तरीका क्या है, कैश का बनाना चाहते हो तो कैश का बना लो, बैंक के बैलेंस को मत छेड़ो, उसको जो किया नई बैलेंस शीट में लिख देना। बैंक का बनाना चाहते हो बैंक का बना लो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो रिसिप्ट किया तुमने प्रीमियम का कैपिटल का वो बैंक अकाउंट में लिख दो, बैलेंस निकालो नई बैलेंस शीट में लिख दो, कैश को एज इट इज रहने दो, उसको कोई चेंज मत करो। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो ये आपकी चॉइस पे है, लेकिन आपकी चॉइस जो भी आप अपनाओगे उससे आपका सवाल पूरा सही सॉल्व होगा, आंसर सही आएगा, बैलेंस शीट का टोटल सही आएगा, लेकिन बुक से मैच होगा जो जरूरी नहीं है। बुक का आंसर कैश का अलग हो सकता है, उसने हो सकता है बैंक को टच नहीं किया हो, कैश का अकाउंट बनाया हो बैंक को टच नहीं किया हो, ठीक है। तो इस तरह ये अपने कॉन्फिडेंस में रहना है, मैंने सारी बातें बता दी, मैक्सिमम होती हैं, ठीक है जी। तो अभी मैं लेता हूँ कैश के अकाउंट को कंप्लीट करता हूँ, टू जैसे मान लो नए पार्टनर का नाम है चाचा, तो टू सीज कैपिटल अकाउंट, क्या चीज़ है ये, कैपिटल कैश में लाया, ठीक है साहब, नया पार्टनर सी कैपिटल कैश में लाया। कैश अकाउंट का एक तरीका है कि साहब वो बढ़ता डेबिट में घटता क्रेडिट में, तो पैसे आएंगे तो यहाँ पे आएंगे और जाएंगे तो यहाँ पे जाएंगे, ये सारे एसेट्स अकाउंट का फीचर है। लाइबिलिटी में उल्टा होता है, लाइबिलिटी के अकाउंट में उल्टा होता है। तो देखो, बाय क्या नाम है, बाय कहाँ से आ जाएगा, टू प्रीमियम अकाउंट। अगर हमारा नया पार्टनर प्रीमियम नकद लाया है तो लिख देंगे, और जो भी डेबिट का टोटल है उसको या तो डायरेक्ट बैलेंस हो जाएगा वो बाय बैलेंस सीडी, अगर प्रीमियम पुराने पार्टनर ने निकाल ली है जैसा कि आपने एंट्री सीखी है तो फिर क्या हो जाएगा, बाय ए ने जितनी प्रीमियम निकाल ली और बाय बी ने जितनी प्रीमियम निकाल ली। दोबारा सुन लो, प्रीमियम विड्रॉन अगर यदि हुई है तभी आएगा ये, ठीक है। दोबारा सुन लो, ओपनिंग बैलेंस कैश का लिख दिया मैंने, जो बैंक में पैसे पड़े थे टू बैंक करके निकाल दिए, जो नया पार्टनर कैपिटल लाया लिख दी, जो नया पार्टनर प्रीमियम लाया लिख दी, जो पुराने पार्टनर ने प्रीमियम निकाली है बाय ए बाय बी निकाल ली, नहीं निकाली है तो नहीं लिखना है, ऐसा नहीं है सब सवालों में लगेगा, जिस सवाल में प्रीमियम निकाली होगी नकद तब लगेगा, तब लगेगा, फिर बैलेंस आ जाएगा वो नई बैलेंस शीट में लिखा जाएगा। अब देखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए हेडिंग डाल दो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। फिर उसके बाद देखिए, ऐसे कॉलम खींचो अम्मा बाबा चाचा का ध्यान रखते हुए डेबिट में और क्रेडिट में, ठीक है, ए बी सी, ए बी सी, यू सी। आगे देखिए, जो भी आपका ओपनिंग बैलेंस है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए और बी का होगा, सी का तो नहीं होगा। अगर मान लो ऐसा भी हो सकता है, जैसे कोई सवाल है बैलेंस शीट में पुरानी में, ए का तो लाइबिलिटी साइड में बैलेंस दे रखा है, बी का असेट साइड में दे रखा है, बी का असेट साइड में दे रखा है तो उसको टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करना पड़ेगा, जिसका लाइबिलिटी में दे रखा है उसका बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा। मैं जो फॉर्मेट बना रहा हूँ दोनों का मैंने मान लिया लाइबिलिटी में है, समझ रहे हो साहब,
लाइबिलिटी में दिया है तो क्रेडिट बैलेंस है, एसेट्स में दिया है तो डेबिट बैलेंस है, जिंदगी भर याद रखना, ठीक है। अब देखो बाय जनरल रिजर्व अकाउंट, जनरल रिजर्व बांट दो, किस में बांटोगे, पुराने पार्टनर में, किस रेशियो में बांटोगे, पुराने रेशियो में। एक पॉइंट था कि एडजस्टमेंट ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स रिजर्व एंड फंड, जो भी पुरानी फर्म के अभी तक के जमा पूंजी है उसका बेनिफिट उन्हीं को मिलेगा जो पुराने पार्टनर है, राइट, उस जमा पूंजी का बेनिफिट उन्हीं को मिलेगा जो पुराने पार्टनर है, तो ए और बी पुराने पार्टनर है उन्हें दे दो बाय जनरल रिजर्व, या रिजर्व फंड बाय रिजर्व फंड दे सकते हो आप, अलग अलग नाम से है। तो पुराने कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है जो अभी तक बांटे नहीं है, पुरानी बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में मौजूद है, ए और बी की जो पुरानी क्वेश्चन की बैलेंस शीट है उसमें लाइबिलिटी साइड में मौजूद है पुराने प्रॉफिट, किसको मिलेंगे, ए और बी को मिलेंगे, किस रेशियो में मिलेंगे, उनके पुराने रेशियो में मिलेंगे। पुराना रेशियो क्वेश्चन में दिया होता है तो वो कंसीडर करते हैं, नहीं दिया होता है तो इक्वल कंसीडर करते हैं, बराबर 1:1। आगे देखो बाय कोई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, WCR लिख रहा हूं मैं, बोल पूरा रहा हूं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, कोई भी ऐसा रिजर्व जो फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट हो जाए, कोई क्लेम आ जाए, कोई नुकसान हो जाए, उसको हैंडल करने के लिए बनाया है, तो उसको जब नया पार्टनर आता है तो बांट के खत्म कर देते हैं, राइट, नया पार्टनर आता है तो उसको बांट के खत्म कर देते हैं। उनमें एक नाम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का है, दूसरा नाम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का है, IFF शॉर्ट में लिखा है, क्या नाम है पूरा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट, ठीक है जी, इनमें दे दो दोनों को। फिर इसके बाद आगे आओ, इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद जो नया पार्टनर वो लेके आया है क्या कैपिटल, तो कैश अकाउंट से करना चाहते हो तो कैश से, बैंक से करना चाहते हो तो बैंक से, लेकिन ऐसा मत करना कि कैपिटल तो ले ली कैश से और प्रीमियम ले ली बैंक से। ज्यादातर हमें चूज करना चाहिए पुरानी बैलेंस शीट में, अगर बैंक बैलेंस है तो सारी रिसिप्ट बैंक के नाम से लो, सारे पेमेंट बैंक के नाम से करो, अगर कैश बैलेंस है तो कैश से करो, नहीं है तो अपनी चॉइस से करो, ठीक है जी। तो बाय कैश अकाउंट हमने लिख दिया, प्रीमियम लाया, कौन लाएगा, जी लाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में कैश या बैंक अकाउंट, उसमें कोई अंतर नहीं है। अब देखो हरे कृष्णा, इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद जो नया पार्टनर प्रीमियम लेके आया है उसको लिखोगे बाय प्रीमियम अकाउंट, नया पार्टनर प्रीमियम नकद लाया, किस में बटेगी, ए और बी में बटेगी, किस रेशियो में बटेगी, उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बटेगी, क्लियर। अब आगे देखिए साहब, अगर पुरानी बैलेंस शीट में प्रॉफिट है लायबिलिटी साइड में, तो पुरानी बैलेंस शीट के असेट साइड में नुकसान भी हो सकते हैं, ठीक है, नुकसान डेबिट बैलेंस होते हैं और जो फायदे होते हैं वो क्रेडिट बैलेंस होते हैं, तो नुकसान किस नाम से होगा, टू P&L अकाउंट के नाम से, मतलब बैलेंस शीट के असेट्स में वो P&L के नाम से होगा, इसको हम बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, ऐसा नुकसान जिसे अभी तक बांटा नहीं गया, एक्यूमुलेटेड है, ए और बी में बांटा जाएगा, किस नाम से, जो टू P&L के नाम से, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। और फिर उसके बाद में होते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, किस में बटेंगे, ए और बी में बटेंगे, किस रेशियो में बटेंगे, ओल्ड रेशियो में बटेंगे, ध्यान रखना। आगे देखो, कोई भी इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है पुरानी बैलेंस शीट के असेट्स में, वो भी हमारा फिक्शियस असेट्स होता है, नुकसान होता है, उसको भी हमें बांट के खत्म करना है, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, जो मैं फॉर्मेट बता रहा हूँ वो मैक्सिमम है, हर सवाल में पूरा फॉर्मेट यूज नहीं होगा, कोई सवाल दो लाइन में ही खत्म हो जाएगा, कोई सवाल 20 लाइन भी कम पड़ेंगी, तो जो जरूरत हो उस हिसाब से सामान यहाँ से लो। अब देखो, अगर मान लो प्रीमियम विड्रॉ करी हो किसने, पुराने पार्टनर ने, तो आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी प्रीमियम विदड्रॉन, प्रीमियम विदड्रॉन किसने, पुराने पार्टनर ने, अम्मा ने और बाबा ने। अब आ जाओ क्रेडिट के टोटल में से डेबिट घटा दो,
टू बैलेंस कैरेट डाउन निकाल लो, ये बात है। फिर उसके बाद जो बैलेंस आ गया वो लिख दो, ठीक है। ये हमारे फॉर्मेट होते हैं साहब, जो हमें सॉल्व करने हैं, जिसके हिसाब से हमें सवाल करने हैं। अच्छा, इसके बाद बात आती है साहब पूरा कोई एक सवाल सॉल्व करके देखने की, राइट। पूरा एक कोई सवाल सॉल्व करके देखने की कि सवाल में दी हुई इंफॉर्मेशन के हिसाब से हम पूरी जानकारी को कैसे यूज करेंगे। आई होप आपने फॉर्मेट बना लिए, ठीक है। देखिए, एक छोटा सा सवाल ले लेते हैं और फिर उसके बाद उसे सॉल्व करके देख लेते हैं कि कैसे ये सवाल पूरा हम एक बार में पूरा का पूरा सॉल्व कर सकते हैं इस दिए गए नियमों को यूज करके, राइट। और मैं अभी नीचे का रफ नहीं कर रहा, राइट, जिससे आपको कोऑर्डिनेशन बना रहे। तो मैं एक छोटा सा सवाल यहाँ पे ले रहा हूँ, देख लीजिए आप। कोई सा भी सवाल हम ले सकते हैं, जैसे हमारे पास मान लो ये सवाल है जिसमें हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट सब कुछ बनाना है। देख लो, सवाल में दिया है ए एंड बी इक्वल पार्टनर है। इक्वल का मतलब 1:1, इक्वल का मतलब क्या है 1:1। और फिर उसके बाद उन्होंने नए पार्टनर को बनाया, किस रेशियो के लिए बनाया, 1/3 के लिए बनाया। सी को कितने के लिए बनाया, 1/3 के लिए बनाया, ऐसा सवाल है। फिर उसके बाद आगे दे रखा है बैलेंस शीट है ए और बी की, ए और बी की बैलेंस शीट 31 मार्च 2016 को। तो देखो, बैलेंस शीट 31 मार्च 2016 की हमारे पास क्या दे रखी है, देखो इसमें हमारे पास क्रेडिटर दे रखे हैं 1000 रुपए के, क्रेडिटर्स 1000 रुपए के, बिल्स पेबल कितना है 1000 रुपए का। फिर उसके बाद क्या है, ए और बी की कैपिटल है 1700-1200 रुपए की, कैपिटल ए की 1700 और बी की 1200, टोटल कितना हो गया ये 4900 हो गया बैलेंस शीट का टोटल लायबिलिटीज साइड का। असेट्स में कैश है 600 रुपए का, डेटर है 1500 रुपए के, कैश 600 और डेटर्स 1500। अब देखिए आगे की जानकारी, स्टॉक 1400, फर्नीचर 400, स्टॉक 1400 और फर्नीचर 400। फिर इसके बाद की जानकारी, मशीनरी 1000 रुपए। तो टोटल इसका भी कितना हो गया आपका 4900 रुपीज। अब इसमें दी हुई एडजस्टमेंट लिख देते हैं। उन्होंने सवाल में दिया कि साहब एडजस्टमेंट सी के एडमिशन पर, एडजस्टमेंट उन्होंने कहा सी को एडमिशन तो देंगे लेकिन ये काम करने पड़ेंगे। कौन से काम करने पड़ेंगे, कि पीबीडी का प्रोविजन करना है आपको 300 रुपए का, प्रोवाइड फॉर पीबीडी रुपीज कितना 300 रुपए। दूसरा पॉइंट देख लो, फिर उसके बाद दिया है फर्नीचर करना है आपको 250 रुपए, फर्नीचर वैल्यूड एट 250, फर्नीचर कितना करना है 250 रुपए। फिर उसके बाद देखिए इन्वेस्टमेंट कितने रुपए के, अभी तक बैलेंस शीट में नहीं थे, 400 रुपए के अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है कितने के, 400 रुपए के अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट कितने के हैं, 400 रुपए के, वो अब हमें रिकॉर्ड में लेने हैं, ऐसा सवाल में लिखा है। फिर इसके बाद देखिए आगे क्या लिखा है, सी 1000 की कैपिटल लाता है, 1000 का प्रीमियम लाता है। देखो, सी ब्रिंग्स कैपिटल 1000 और प्रीमियम 1000, 1000 की कैपिटल लाता है, 1000 की प्रीमियम लाता है नकद, ठीक है, जिसको उन्होंने विड्रॉ कर लिया, ऐसा लिखा है, ठीक है। प्रीमियम विदड्रॉन किसने निकाल ली, बाय पुराने पार्टनर ए एंड बी,
अब देखो इस जानकारी का प्रयोग करते हुए सवाल को कैसे हम तुरंत सोल्व करेंगे फटाफट 5 मिनट के अंदर। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, जानकारी आपके पास है कि साहब एसेट की वैल्यू कम होती है या लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ती है, तो डेबिट में आती है। लायबिलिटी की वैल्यू कम होती है या एसेट की वैल्यू बढ़ती है, तो क्रेडिट में आती है। पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट आपके सामने है, राइट। जैसा बताया था कि पूरे सवाल में पूरा फॉर्मेट यूज नहीं होगा, जितनी सवाल की औकात होगी या जरूरत होगी उतना फॉर्मेट यूज होगा, राइट। अभी देखो इंदेश, मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहा हूँ, साथ में पहले लाइन खींच लेते हैं हम लोग ऐसे, ए बी सी, ए बी सी, राइट, ए बी सी। अभी क्या करूँगा, मैं क्वेश्चन में दी हुई इन्फॉर्मेशन को पहले फीड करूँगा। तो अंकल ने हमें ए और बी का बैलेंस दे रखा है 1700 रुपये और 1200 रुपये, उसको मैं सबसे पहले लिख दूंगा यहाँ पर, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 1700 1200, क्लियर। अब मेरे को ये देखना है पुरानी बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड में कोई रिजर्व है, प्रॉफिट है कि नहीं। अगर होता तो क्या करते, बांट देते। किस रेशियो में बांटते, पुराने रेशियो में बांटते। पुराना रेशियो कितना है सवाल में, बराबर दे रखा है, नहीं दिया होता तो भी बराबर मानते। दे रखा है बराबर, नहीं दिया होता तो बराबर मानते, इसके अलावा कुछ और दे रखा होता तो उस हिसाब से करते। तो यहाँ पर तो है ही बराबर, तो हम बराबर बांट देते, तो रिजर्व प्रॉफिट तो है नहीं जो हम बांटे। फिर इसके बाद अगला स्टेप ये होता है कि हम बैलेंस शीट के असेट साइड में देखें। असेट साइड में यहाँ पर कोई गुडविल तो नहीं है, अगर कोई गुडविल होगी तो 2 गुडविल करके राइट ऑफ कर दी जाएगी। अगर कोई प्रीलिमिनरी एक्सपेंस होगा 2 प्रीलिमिनरी एक्सपेंस करके राइट ऑफ कर दिया जाएगा। अगर कोई P&L होगा 2 P&L करके राइट ऑफ कर दिया जाएगा। अगर कोई एडवर्टीजमेंट सस्पेंस होगा तो राइट ऑफ कर दिया जाएगा। लाइबिलिटी साइड से रिजर्व प्रॉफिट फंड जनरल रिजर्व सब वहाँ पे क्रेडिट में जाएगा, ठीक है। तो ये सब तो कुछ हुआ नहीं, अब हमारी जानकारी इतनी लिख दिया। कैश का बैलेंस 600 रुपये लिख देते हैं, कैश का बैलेंस 600 रुपये लिख देते हैं। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कैश का 600 रुपये। अब इसके बाद आप देखिए, प्रोवाइड PBT 300 रुपये। PBT क्या होती है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स होती है। क्यों करते हैं कि साहब डेटर्स पे हमारा पैसा कुछ डूब जाता है, उस नुकसान को कवर करने के लिए हम अभी कुछ व्यवस्था करके रखते हैं, दैट इज कॉल्ड PBT। PBT लाइबिलिटी, आप मानो कि लाइबिलिटी होती है, आप प्रोवाइड कर रहे हो मतलब लाइबिलिटी को इंक्रीज कर रहे हो, और लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो कहाँ पे जाती है, यहाँ पे नहीं, डेबिट में जाएगी, ठीक है बेटे। लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो डेबिट में जाएगी, टू PBD कितने रुपए की, 300 रुपए की, ठीक है। इसका कुछ लोग ऐसे भी मानते हैं इस इफेक्ट को कि डेटर्स में से डिक्रीज होगी, मतलब डेटर्स को कम करेगी, एसेट की वैल्यू कम हो रही है इसलिए डेबिट में आ रही है। लेकिन मेरी एडवाइस ये है, इसको लाइबिलिटी मान के ट्रीट करो, प्रोविजन है, क्रेडिट बैलेंस है, लाइबिलिटी मान के ट्रीट करो, गलत कभी नहीं होगा, चांसेस क्वेश्चन के गलत होने के बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। तो PBT क्रेडिट बैलेंस है तो लाइबिलिटी बढ़ रही है आपकी, यहाँ दिखा दिया आपने। फर्नीचर 250 रुपये वैल्यू हुआ है, ऊपर कितने का है, 400 का, 400 से 250 हो गया, इंक्रीज हो गया क्या, डिक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया तो नुकसान हो गया, डेबिट में लिख दो। तो 2 फर्नीचर कितने रुपए का नुकसान हुआ भाई, भाई 400 से 250 मतलब 150 का नुकसान। आगे देखते हैं, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है 400 रुपए के जो अभी तक रिकॉर्ड नहीं थे, तो एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, एसेट डिक्रीज, डेबिट इंक्रीज, क्रेडिट लाइबिलिटी इंक्रीज, डेबिट डिक्रीज, क्रेडिट, ऐसे लिख लोगे तो आसानी रहेगी, मैं भी लिख लेता हूँ है ना समझने के लिए। तो बाय क्या करूँ, अनरिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट कितने रुपए, 400। अब देखो अंकल ने क्या बताया है, PBT कर चुके हम, फर्नीचर कर चुके, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट कर चुके, सी 1000 रुपये की कैपिटल ला रहा है, देखिए बाय कैश अकाउंट 1000 रुपये की कैपिटल, बाय प्रीमियम अकाउंट, नकद लाता है तो उसे भी बांटना होता है, कितनी बांटोगे, 1000 लाया तो 1000 बांटो, किस रेशियो में बांटोगे, जो भी उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। सवाल में अगर केवल ओल्ड रेशियो दिया है
और नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आया बताया, तो मतलब न्यू रेशियो नहीं दिया ना उसको कैलकुलेट करने का मेथड दिया, तो हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो के बराबर होता है, ये टाइप वन है। ठीक है, रेशियो के प्रीसीडिंग लेक्चर्स में ये वेल एक्सप्लेन्ड है बात, राइट। तो हम इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो में इसको बांट देंगे, क्या होगा वो 1:1। तो प्रीमियम कितने की है अंकल की, 1000 रुपये की, 500-500 रुपये हो जाएंगे ना 1:1 में। हाँ, 1000 रुपये का 1:1, 1/2, 500-500 रुपये। अब आगे देखते हैं क्या रह गया, प्रीमियम निकाल ली ए और बी ने, तो 2 कैश अकाउंट, 500 रुपये इसने निकाल लिए, 500 रुपये इसने निकाल लिए। अगर क्वेश्चन में नहीं बताया है कि कितनी निकाली तो मानेंगे पूरी निकाल ली, अगर क्वेश्चन में बताया कि आधी निकाली है तो हम मानेंगे हाफ निकालेंगे, हाफ निकालेंगे तो क्या करेंगे 250 रुपये यहाँ कर देंगे, 250 रुपये यहाँ कर देंगे, फुल निकाली है तो पूरे पूरे 500-500, कुछ नहीं लिखा है तो पूरी मानी मैंने। आगे देखिए इंदेश, इसका बैलेंस निकालिए, बैलेंस हो जाएगा 1700, 500, 2200, 2200 में से 500 घटाओ तो कितना रह गया था, अच्छा रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट भी तो रह गया, इसे भी तो कंप्लीट करो, प्रॉफिट या लॉस, ये 450 रुपये है डेबिट का टोटल, इसमें से 400 घटाओ कितना बचा 50 रुपये, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अम्मा और बाबा में बांट दो किस रेशियो में 25-25 रुपये। तो इसमें आपका जो है यहाँ पर इसको लिखिए, ये बाय साइड में आया है तो 2 में जाएगा पोस्टिंग, ठीक है बाय से 2 में, और किस नाम से जहाँ से चिट्ठी आई है उस जगह का नाम लिखना है यहाँ पर, ठीक है तो कहाँ से आई है रिवेल्यूएशन से, और अगर प्रॉफिट होता तो बाय साइड में जाता, कितने रुपए लिखूँ 25 रुपये। अब मुझे बैलेंस निकालना है, स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, 2 बैलेंस कैरेट डाउन कैसे निकालूंगा, क्रेडिट का टोटल इसका 2200 रुपये हो गया, 2200 में से 525 घटा लो 1675, 1675 और ये 1700 हो गया तो 1175 ये तो यहीं रहेगा 1000 रुपीज। कैश अकाउंट कंप्लीट करो, प्रीमियम लाया, ये वो लाया था कैपिटल, कितनी लाया था कैपिटल, कितनी लाया था 1000 रुपये की, प्रीमियम कितनी लाया था 1000 रुपये की, प्रीमियम बढ़ गई ना, प्रीमियम बढ़ गई, रुक जाओ बेटा एक मिनट, बाय एज कैपिटल, बाय बीस कैपिटल, कितनी बढ़ गई आपकी जो है प्रीमियम 500-500 रुपये की बढ़ गई, ठीक है। बैलेंस निकाल लो कितना आया, डेबिट का टोटल 2600 रुपीज है, 2600 में से 1000 लेस करो कितना बचा 1600, ठीक है नो प्रॉब्लम। अब बैलेंस शीट बना लो फटाफट, देखो जो बैलेंस शीट बनाने के लिए हेडिंग डालो बैलेंस शीट, अब देखो पुरानी बैलेंस शीट से नकल करके बनाते हैं हम, क्रेडिटर में कोई चेंज हुआ, कोई बदलाव क्रेडिटर में नहीं, एज इट इज लिख दो कितने के हैं, बिल्स पेबल में कोई बदलाव एज इट इज कितने के हैं, और कैपिटल तो नहीं लिखो, ए की कितनी है नहीं 1675, बी की कितनी है नहीं 1175, सी की कितनी है नहीं 1000, टोटल लगा लेना। असेट्स में देखो, असेट्स में क्या है कैश, कैश का नया बैलेंस कितना निकाला तुमने 1600 रुपये लिख दो, फिर क्या है डेटर्स, डेटर्स पे एडजस्टमेंट थी पीबीडी की, तो पीबीडी लेस होंगे डेटर्स में से, 1500 में से 300 रुपये लेस होंगे डेटर्स में, 1500 रुपये में से 300 रुपये लेस होंगे काहे के पीबीडी के, ठीक है ना, कितना आ जाएगा 1200 रुपये। इसके बाद क्या है स्टॉक, स्टॉक में कोई चेंज हुआ है, रिवॉल्यूशन अकाउंट को देख के पता चलता है, स्टॉक एज इट इज आ जाएगा कितने का है बताओ 1400। फिर उसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर फर्नीचर में तो हुआ है चेंज, 400 का है 150 रुपये कम हो गए, 250 रुपये का हो गया फर्नीचर। अब इसके बाद देखो
मशीन में कुछ हुआ तो मशीन एज इट इज आ जाएगी, मशीनरी कितने की आ गई 1000। ठीक है जी। अब एक चीज इसके बाद की होती है एक्सक्यूज मी, रिवॉल्यूशन अकाउंट को देखना होता है आपको कि कोई अनरिकॉर्डेड एसेट लायबिलिटी तो नहीं रह गई है। पीपीटी का ट्रीटमेंट मैं कर चुका, फर्नीचर का मैं कर चुका, इसका रह गया है, ये लॉस मेरा चला गया कैपिटल अकाउंट में, केवल इसका रह गया अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट आप बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिख दो, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट कितने के हैं बच्चों 400 के, टोटल लगा लो, टोटल लगाओ बैलेंस शीट का फटाफट, दोनों साइड का 5,850 रुपए का टोटल आ रहा है। तो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द फुल न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द रिवॉल्यूशन पार्टनर्स कैपिटल इन द टू बी प्रिपेयर्ड द इनिशियल बैलेंस शीट अलोंग विद द कैश अकाउंट ऑल्सो, सो यू कैन प्रैक्टिस सच टाइप ऑफ सम्स। थैंक यू सो मच।